नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो नशा तस्करों को किया काबू। 12 किलो हेरोइन और एक स्विफ्ट कार की बरामद। जालंधर के अर्बन एस्टेट में किराएदारों ने मकान मालिकों पर चलाई गोली, दोनों का कोर्ट में चल रहा है केस। फिरोजपुर छावनी में कैंट बोर्ड की ओर से नाजायज कब्जों के खिलाफ की गई कार्रवाई। डीसी कार्यालय से लेकर मेन चौक तक हटवाए नाजायज कब्जे। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर दो नशा तस्करों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए काउंटर इंटेलिजेंस के एआईजी लखबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 16 पैकेट हेरोइन, जिनका कुल वजन 12 किलोग्राम है, सहित एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुरबिंदर सिंह उर्फ बिंदर और कुलवंत सिंह उर्फ कंता, दोनों निवासी थाना झब्बाल, जिला तरन तारण के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। कामयाबी हासिल हुई है। ये हैरन जी है 12 किलो से काबू की है, जिसके नाल दो बंदे स्विफ्ट कार काबू की है, जिसे गुरविंदर सिंह बिंदर ते कुलवंत सिंह कंता नाम के दो व्यक्ति जिहड़े झबाल थाना पी एस झबाल जिला तरन तारण तो बिलोंग करते हैं। वो बंद 12 किलो हैरन के नाल काबू किया। जिहड़ा गुरविंदर इहदे ते दो परचे हैगे आ, पहला भी 16 किलो हैरन का परचा 2014 का हैगा, तो एक 2017 के एन डी पी एस का परचा हैगा, तो 2018 के जिहड़ा कुलवंत सिंह कंता वो एक एफ आई आर दर्ज हैगी है, एफ आई आर नंबर 94। तो फरदर इन्हों तो दे बैकवर्ड के फॉरवर्ड लिंक तलाश किए जा रहे हैं भी इन्हों ने बेसिकली लैके कितों आए हैं तो गांह कितने सप्लाई करनी। सर, ड्रोन के जरिए आई है जी इन्वेस्टिगेशन पता लगा होगा, तो जी मुढ़ली तफ्तीश है उस दौरान यही सामने आया कि जी हैरन है ये सारी ड्रोन के रस्ते आई है, पर यह कितने ड्रोन ऑपरेट होया तो कि ड्रोन साइटिंग है उन्होंने भी अभी चेक कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तो आई हुई? हाँ जी, नैचुरली उ है जी, एक ही सोर्स है साढ़े को। जालंधर के अर्बन स्टेट क्षेत्र में किराएदारों ने अपने मकान मालिकों के ऊपर गोली चला दी। मिली जानकारी के मुताबिक किराएदारों और मकान मालिक का कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट ने नीचे वाले फ्लोर पर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, जिसके चलते मकान मालिक ऊपर के फ्लोर की सफाई करने आए, जिसके बाद किराएदारों ने उन्हें बंधक बना दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। इतना ही नहीं, उनके द्वारा गोली भी चलाई गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और किराएदार के साथियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं पुलिस अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि किराएदारों और मकान मालिक की पुरानी लड़ाई चल रही है और इनका कोर्ट में केस भी चल रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गल वही है, अभी इतने किराए से रहने हैं, माल मकान है। अच्छा जी, अज दो दिन हो बहर कैमरा लगा तोड़ गया जी, अज फिर मियाँ बीबी ने कैमरा तोड़ने की कोशिश की, वो कैमरा टुटे नहीं, मैं बोल पाया। अच्छा जी, साढ़े अंदर दोनों बढ़ गए, तो जनानी ने सानू कुटना शुरू करता। अच्छा जी, मैनू कुटिया, मेरी नूह कुटिया, मेरे पोते कुटिया। उस तो बाद इन्होंने बंदे सद ले, तो साढ़े बंदे भी आ गए। अच्छा जी, फिर इन्होंने बंदे गेट टप के, गेट टप के अंदर गए, या अंदर जाके इट्टा इन्होंने मारिया कमरे च, फिर उस तो बाद बंदे आ गए। अच्छा जी, मेरे मुंडे ने इन्होंने कुटना शुरू कर दिता, जेड़े बंदे सी गेट टप के आ गए। कारण की लड़ाई क्यों हो रही? बार बार लड़ाई हुई, असीं किराए ते रहिंदे आ जी। ठीक है जी, साडा केस अदालत चलदा पिया। गोली तरह चलाने का कारण मुंडे दात लैके पै गए, वीडियो बनाई भाभी ने सारी। ठीक है, फिर भाजी गोली तो अपने थले चलाई मैं गोली। लड़ाई का कारण की सी? लड़ाई का कारण भी एक मिनट प्रिंस,
ਘਰ ਆ ਘਰ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਂਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 20 ਜਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣ ਆਏ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਗੁਜਰਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ ਠੀਕ ਆ ਐਟੇ ਨਾਮ ਸਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ मालक आंदे आ घर तंग करदे आ कोर्ट का केस चलता पिया प्रोपर किराए ते रह रहे मैं और अपनी वाइफ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਦੋ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ 66 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ 4-5 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡਾ ਪੀਲੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਕੈਂਚਨ ਦੀ ਜੀ ਪਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜਾਜ ਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਾਜਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਸਟੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਲੜਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੇ ਪਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆ ਲੈ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ रोकते कुटमार की बाद चो बार गांधी गांधी बुला के इतने दस दे फायर किए कैंट बोर्ड की ओर से फिरोजपुर छावनी में नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ सुबह बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके चलते कैंट बोर्ड की ओर से छावनी क्षेत्र में जीटी रोड पर स्थित दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के आगे किए नाजायज कब्जों को खाली किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कैंटोनमेंट बोर्ड के एसडीओ सतीश कुमार ने बताया कि सीईओ कैंट बोर्ड अभिषेक मणि त्रिपाठी के दिशा निर्देशों के साथ जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे नाजायज कब्जे किए हुए थे उनके कब्जों को हटाया गया है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों की ओर से अपनी दुकानों के आगे 50 फीट आगे तक बढ़ाकर सामान रखा गया था। उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई जिलाधीश कार्यालय से लेकर मेन चौक तक की गई है और सभी दुकानदारों से अपील भी की गई है कि वे अपनी दुकानों का सामान बाहर ना रखें ताकि ट्रैफिक में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। जो सरकारी जगह पे इन्होंने टेंपरेरी इंक्रोचमेंट की हुई है वो सारी हटा रहे हैं। सारे अनु दो दिन पहला वार्निंग भी दी गई थी ते अज प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिन्हें जिन्हें ने कर लिया अपने आप कर लिया, जिन्हें ने नहीं किया उन्हों का समान चक के लैके जा रहे हैं। 40-40 फुट सरकार की जगह पर अगे वधे हुए हैं। सर समान जरा चक्या है जब्त किया जाएगा? बिल्कुल जी, कैश कोड जब्त किया जाएगा। सर की कार्रवाई अमल में ली गई है? इस तो बाद आएंगे अपना इन्हों का चलान किया जाएगा। ये जिहड़ा ना जी सरकारी जमीन से जो कि 90-90 फुट तक अगे वधे हुए और ये होगा एक तो ट्रैफिक की कंजैशन हो जाती है। इस करके गवर्नमेंट की लैंड असी फिर जी टैंपरेरी इनक्रोचमेंट है परमानेंट कोई नहीं हुई वो सारी असी रिमूव कर रहे हैं। सर कितों लैके कितों तक साफ कराई है? ये असी इन फेजिज करा जिमें डी सी ऑफिस तो लैके अपना जो मेन चौंक है सदर चौंक तक पहला पोर्शन ये लवेंगे, पहला कंप्लीट करा फिर अगे बढ़ाएंगे। सर इन्हें नोटिस वगैरह पहला दिता है? इंटीमेशन दिती है। सारा एशिया हॉकी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जालंधर के तीन खिलाड़ी मनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह और वरुण
गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान मिठापुर निवासियों ने ढोल बजाकर सबका स्वागत किया। इस मौके पर हॉकी खिलाड़ियों का कहना था कि उन्हें बहुत अधिक खुशी महसूस हो रही है क्योंकि वे कई वर्षों बाद भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि वे इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाते रहेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बैंड वाले बच्चे आए हुए या हॉकी वाले बच्चे पहुंचे हुए इतने तो बहुत एक सानू वधिया लग रहा कि हाँ कि अं मेहनत करके हम इतने तक पहुंचे तो साढ़े पिंड वाले ने बहुत ज़्यादा साडा स्वागत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा सारे वालों। जी की मैसेज देना चाहते हो कि अज के यूथ में कि स्पोर्ट वाल भजता जा रहा है, एक पास सरकार वालों लगातार किड़े गेमों का ध्यान दिता जा रहा है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे जिन्हें हम इतने भी आए हुए इन्होंने यही एक मोटिवेशन मिलेगा इतों की हाँ कि असं भी अगे आने वाले फ्यूचर में इदा ही एक मैडल जीता तो साडा भी उन्होंने हर सूबे के उन्होंने वेलकम किया जाऊगा, उन्होंने भी सरकार वालों अवार्ड प्राइज मिलते रहेंगे। देखो मिलने का बहुत वाली एक उन्होंने जरिया है उन्होंने तक पहुँचा जाए कि हाँ कि लोग जो बच्चे और ज्यादा स्पोर्ट्स में जुड़न तो उन्होंने भी अगे जाके होर तेज है ना अपने पंजाब का नाम। कई साल बाद गोल्ड मेडल इंडिया की हॉकी की टीम के हासिल होया है, की कहना चाहूंगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि सारे प्लेयर्स ने सारी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, यही साडा टारगेट से ही गोल्ड मेडल जीती है तो पूरा किया है तो हम यही है कि अगे आने वाली जी साडी ओलंपिक गेम आ रही है उसके लिए अपने आप को पूरा तैयार करिए और पैरिस के अपने जो फ्रांस मेडल से गलत होता चेंज करके इस बार गोल्ड में जीते। पंजाबी फिल्म वाइट पंजाब के कलाकार सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान फिल्म की टीम ने गुरु घर में माथा टेककर सरबत के भले की अरदास की। तो वहीं 13 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही फिल्म को लेकर वाहेगुरु जी के समक्ष फिल्म की सफलता की कामना की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए फिल्म के कलाकारों ने बताया कि चिट्टे के माध्यम से वाइट को बहुत गलत ढंग से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि वाइट मोहब्बत और अमन शांति का रंग है, वाइट कपास वाइट फूल है और वाइट कुर्ता पैजामा पहनकर हम बड़ी शान से घूमते हैं। उन्होंने कहा कि वाइट चिट्टा जिसे नशे के साथ जोड़ा जाता है ये फिल्म उसे लेकर नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि इसमें यूनिवर्सिटी कल्चर को दर्शाया गया है कि कैसे यूनिवर्सिटी से लड़कियां और लड़के बाहर निकलकर बड़े ऑफिसर बनते हैं तो कोई गैंगस्टर बनता है। उन्होंने कहा कि ये गैंगवार के ऊपर बनाई गई फिल्म है, इस फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं दिखाई गई, सिर्फ सच्चाई दिखाई गई है और इनकी टीम ने इस फिल्म में अच्छी मेहनत से काम किया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाइट पंजाब बेसिकली पंजाब के ऊपर बेस्ड फिल्म है जी। पंजाब नू जिहड़ा चिट्टे दे राही बहुत ज़्यादा मतलब गलत तरीके बाहर फेमस किया गया है ना एक प्रोपोगेंडा के थ्रू, सो उहदे अगेंस्ट उस तो अलावा जिहड़ी पॉजिटिविटी वाली वाइट चीज़ है, वाइट पीस का अमन दा रंग है है ना, वाइट मुहब्बत का रंग है, वाइट कपाया वाइट फुल ने वाइट चिट्टा कुर्ता पजामा आप बड़ी टॉन ना पा के जाइए, सो ये उस वाइटनेस के उपर की गल है ना कि जिहड़ा वाइट चिट्टा जिन्हों नशे नाल जोड़िया जाता हमेशा वो उपर नहीं। प्लस ये यूनिवर्सिटी कल्चर उतों कि मुंडे कुड़ियाँ निकलते हैं वोद जो मुंडे आई पी एस ऑफिसर बनते हैं, कोई स्पोर्ट्स अगर निकलता है, कोई डी एस पी लगता है, कोई गैंगस्टर बनता है, तो जो कोई बिल्कुल जी गैंग वॉर्स के उपर फिल्म है 100% से वो आले दुआले का पूरा ताना बाना जी पोलीटिकली जिदा चीज़ा मैनुपुलेट की जाए ने लोग उन्होंने यूज़ करते हैं यंगस्टर्स न, मैंने लगता कि हर एक यंगस्टर नाल ये फिल्म रिलेट करती है, चाहे वह कुड़ी है चाहे वह मुंडा है, जोड़ा भी कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ता है उन्होंने फिल्म जरूर देखनी चाहिए है, सो उन्होंने जी रीयल लाइफ जे इस टाइम जी रहे हैं वो उपर बेस्ड है फिल्म। मेरे मैसेज अच्छा इंस्टाग्राम से तुम्हें 10 मिलते हैं ना एक सेकंड के बंदा वो नहीं पढ़ता, बट एक गल होंगी कि सेहत दाली गल कोई लैक्चर नहीं दिता गया फिल्म च, बट जो सच्चाई है वो दिखाई गई है तो सच्चाई के ना अभी यह चीज़ गलत है तो ना सही है, ना किसी का पक्ष लिया ना अभी किसी अगेंस्ट बोले हैं,
ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। 13 ਤਰੀਕ ਜੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜੀ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਭਾਅ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਨੀਰ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰ ਖਾਓਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀ। पंजाब में बीमा उद्योग की प्रतिष्ठित कंपनी पीएनबी मेटलाइफ ने अमृतसर में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मुख्य एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी के नए बीमा उत्पादों के बारे में बताया। इस अवसर पर पीएनबी मेटलाइफ के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर समीर बांसल ने बताया कि पीएनबी मेटलाइफ के पास उत्पादों और समाधानों की विस्तृत श्रृंखला है, जो जीवन के विभिन्न चरणों जैसे रिटायरमेंट, सुरक्षा, बच्चों से संबंधित खर्चों और दीर्घकालिक बचत के लिए लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये श्रृंखला उनके सर्किल ऑफ लाइफ सिद्धांत के अनुरूप तैयार की गई है। इसका उद्देश्य पंजाब में रहने वाले नागरिकों के जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी जरूरतें पूरी करना है और ग्राहकों के मन को शांति प्रदान करना एवं निरंतर बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जस्ट टू यू नो लुक एट हाउ वी कैन ग्रो एंड एक्सपेंड आवर बिजनेस इन पंजाब। पंजाब में ऑलरेडी हमारा बिजनेस करीब 9% हमारी बिजनेस कंपनी का पंजाब से आता है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक जैसे ही पार्टनरशिप है, जो हमारे शेयर होल्डर भी हैं। करीब 30% हमारी कंपनी के शेयर होल्डर पंजाब नेशनल बैंक है, और इनके थ्रू हमारे को लगभग 900 ब्रांचेस का एक्सेस है पंजाब, विद इन पंजाब, और बाकी पार्टनरशिप जो हमारी हैं बैंक पार्टनरशिप, उनके थ्रू भी और 400 ब्रांचेस का एक्सेस है। तो पीएनबी ने अब क्या लॉन्च किया है? पीएनबी मेटलाइफ ने आज एक चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान लॉन्च किया है, जिसका नाम जीनियस प्लान है, और ये प्लान उन माता पिताओं के लिए है जो अपने बच्चों की एजुकेशन फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। हमारे रिसर्च के हिसाब से इंडिया में करीब 30% पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उसकी प्लानिंग शुरू नहीं करी है। उन्होंने अभी तक ये फाइनेंशियल प्लानिंग कि वो कैसे फीस भरेंगे आगे जाके, कैसे उनकी पढ़ाई पूरी होगी, ये पूरा अभी तक उन्होंने प्लान नहीं किया है। बाकी 70% जो उन्होंने प्लान किया है, उन्होंने भी अभी पूरी प्लानिंग नहीं करी है। लगभग 50% लोगों ने उनमें से अभी उनको जितना चाहिए पैसा उस हिसाब से प्लानिंग नहीं करी है। जीनियस प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि उनको इस चीज़ में मदद करेगा। जीनियस प्लान के थ्रू हम ये देखते हैं कि कस्टमर का जो एक क्वेश्चन होता है कि जब मुझे पैसा चाहिए हो तो मुझे वो गारंटीड मिले, वो एक हमने एड्रेस किया है। सो इसमें कोई भी मार्केट लिंक वॉलेटिलिटी नहीं है, जो भी हम कमिटमेंट कर रहे हैं आपको पेपर पे वो गारंटीड मिलेगा। माँ मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंचोंग हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश कुंभ पूजन, माँ मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अमन से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित माँ भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए माँ के भक्तों को बताया कि गुण और दोष सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, किसी भी व्यक्ति में ये दोनों ही चीजें विद्यमान रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें सिर्फ गुण ही गुण हो, कोई दोष ना हो। इसी प्रकार ऐसा भी नहीं हो सकता है कि किसी के अंदर सिर्फ दोष ही हो, कोई गुण ना हो। व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों के गुणों को देखे, उनमें दोष ना ढूंढे। दोष ढूंढने ही हैं तो अपने अंतर मन में झांके, अपने अंदर के दोष दूर करके अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमेशा दूसरों के गुण देख सुनकर गुणवान बनो। माँ बंगलामुखी धाम के सेवादार श्रीकंठ जज ने बताया कि श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त अलौकिक शनि अमावस्या पर
विशेष हवन यज्ञ 14 अक्टूबर दिन शनिवार को मंदिर परिसर में किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे विशेष आयोजन पर सभी भक्तों को बढ़ चढ़कर सम्मिलित होना चाहिए। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, राजेश महाजन, समीर कपूर, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, बाबा हलचल, बलदेव राज, विनोद खन्ना, दिशांत शर्मा, अभिलक्षे चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश केहर सिंह, प्रदीप शर्मा, ठाकुर बलदेव सिंह, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। माता महादेवी यथा योग्यम तथा सुगंधित हार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी मां करो स्वीकार भक्त पुष्पांजलि समर्पयामहे। माँ बगला मुखी धाम जो कि लम्मा पिंड चौंक वो सिटी को स्थित है, उत्थे माँ के भव्य मंदिर के अलौकिक हवन यज्ञ जिहड़ा लगातार हर वीरवार किए जाते हैं, उन्होंने कड़ी में अज एक होर जिहड़ा हवन यज्ञ किया गया। भगत जिहड़े है सवेर तो जिहड़े है 5:30 to 5:30 लैके लगातार आई गई हैगी है, और उन्होंने आके महामाई के जिहड़े हवन यज्ञ के नाना प्रकार की औषधियां जड़िया बूटियां और नाना प्रकार के जिहड़े है फलों के नाल जिहड़ा महामाई को भोग लगाया है और उन्होंने भोग अर्पण किए हैं। और मैं इतनी यह भी बेनती करना चाहना कि शनिवार को जोड़ा उत्थे अलौकिक हवन यज्ञ किया जा रहा है शनि अमावस्या के उपलक्ष्य के, और शाम को 6 शुरू होएगा और शनिदेव जी की इच्छा तक जब तक वो चलेगा। उत्थे सारे भगतों को बेनती की जाती है कि सब परिवार शाम को 6 मंदिर परिसर के पहुँच के शनिदेव जी की भी कृपा प्राप्त करो। नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 7 दिन की शुरुआत हुई, जिसमें काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित भक्तों को कहा कि भगवान गणेश प्रथम वंदनीय है, विघ्नहर्ता के रूप में देवता भी उन्हें मान्यता देते हैं, उनकी आराधना भी निष्फल नहीं होती। कथा के 7 दिन आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश ढल, बब्बू सिधाना, राजकुमार शर्मा, हरेकांत झा, श्री शिव शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी शिवनगर के चेयरमैन गुरुदत्त शिंगारी, पूर्व पार्षद पति रवि सैनी, प्रेम भारद्वाज, ऋतिक वर्मा, अनंत झा, अजीत शर्मा, अजय वर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर स्वामी जी ने कहा कि शिव पुराण की कथा हम सबके कल्याण और अशांत भटकते व्यक्ति को सही मार्गदर्शन देने की कथा है। कथा के अंत में महाआरती का आयोजन भी किया गया। मंच का संचालन अजय मल्होत्रा ने करते हुए सभी आए हुए शिव भक्तों का धन्यवाद किया।
इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, अजय मल्होत्रा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, मायाराम पांडे, सुरेंद्र, वीपी सिंह भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। अमृतसर में श्री राम भगत सेवा सोसाइटी की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष राघव दास वैष्णवी ने बताया कि नवरात्रों के अवसर पर श्री दुर्गयाना मंदिर में विश्व प्रसिद्ध लंगूर मेले में इस बार भी सोसाइटी की ओर से वानर सेना के 51 स्वरूप बनाए जाएंगे, जिसमें मुख्य आकर्षण पंचमुखी स्वरूप जामवंत, जटायु आदि होंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये मेला 15 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर को संपन्न होगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जय श्री राम। मैं राघव दास वैष्णव। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रों में खूब जोर शोर से लंगूरों का मेला मनाया जा रहा है। श्री राम भक्त हनुमान सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते हम इस साल भी 51 स्वरूप
वानर सेना में लेके श्री हम दुर्गाना मंदिर में नमस्तक होने जाएंगे। ये परंपरा बहुत पुरानी चलती आ रही है, मंदिर के साथ इसका जो रहस्य जुड़ा हुआ है वो सबको पता ही है इस चीज़ का। और हमारी संस्था को पिछले 13 साल से हम 13 साल से पिछले ये प्रथा निभा रहे हैं। इसमें ज़मीन पे सोना होता है, ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है और चाकू से कटा नहीं खाना, प्याज लहसुन का थोड़ा परहेज होता है, इनकी सात्विक जीवन का पूरा हम विशेष ध्यान रखते हैं इसमें। और इसमें 2 टाइम दुर्गाना मंदिर हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदना करने जाना पड़ता है। इसका एक नियम है कि हम 10 दिन पूरी बंदगी में रहते हैं। जो बरनाला के सीवरेज बोर्ड दफ्तर के बाहर मुलाजिमों द्वारा किए जा रहे रोष प्रदर्शन के तहत उस समय माहौल गर्मा गया जब सीवरेज बोर्ड बरनाला के कर्मचारियों द्वारा अपने ही विभाग के आला अधिकारियों के प्रति अपनी मांगों को लेकर दफ्तर के समक्ष रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। रोष प्रदर्शन के दौरान पिछले 27 वर्षों से सीवरेज बोर्ड में काम कर रहा पंप ऑपरेटर गोविंदर सिंह आक्रोश में आकर पेट्रोल की बोतल लेकर सीवरेज बोर्ड बरनाला की ही वाटर टंकी पर चढ़कर रोष प्रदर्शन करने लगा। पंप ऑपरेटर का दोष है कि वह आउटसोर्सिंग पर सीवरेज बोर्ड विभाग में पिछले 27 वर्षों से काम कर रहा है और अचानक विभाग के एसडीओ और जेई ने बिना नोटिस उन्हें ड्यूटी से डिसमिस कर दिया। उन्होंने बताया कि वह समय समय पर उन्हें ड्यूटी के दौरान तंग परेशान भी करते थे, उनकी नाजायज बदलियां की जाती थी और अब उसका चूल्हा चौंका ही विभाग ने बंद कर दिया तो वह मरना ही मुनासिब समझता है। जब इस सारे मामले को लेकर सीवरेज बोर्ड अधिकारियों से बात हुई तो सीवरेज बोर्ड अधिकारी का कहना है कि उन पर सरासर गलत दोष लगाए जा रहे हैं। इसकी रिपोर्ट एसटीएम बरनाला और डीसी बरनाला को कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पंप ऑपरेटर को ड्यूटी में कोताही बरतने पर उस पर विभाग की तरफ से एक्शन लिया गया है। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम तार सिंह जी, मैं तो ब्रांच प्रधान बरनाला सीवरेज बोर्ड का जी। ये मसला जी साडा सी 31/8 नूं एस डी ओ साहब नूं मंग पत्र दिता सी मंगां दे प्रति, पर इन्हां ने साडे किसी वर्कर की कोई मंग हल करन दी प्रति ये दूसरे पासे वर्करां नूं डराउण धमकाउण वालियां गल्लां ते वर्करां नूं गैर हाजरियां लाउण बदलियां करन इस पासे टेढ़े रस्ते ते चल पए। इन्हां दी इत्थे जुंडली बणी होई आ विचारां दी, इक एस डी ओ आ, जेई आ, कंपनी वाले आ, ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਲੈਬਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਸ ਟੀ ਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਮੰਗਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡੀਸੈਲਟਰ ਜੀ, ਡੀ ਸੈਲਟਰ ਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਪਰ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਡੀ ਸੈਲਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ, 50,000 ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਭਰੂਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਲਏ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪੰਪ ਰੇਟਰ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਲ ਗਿਆ ਐਸ ਡੀ ਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਦੂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਚੰਗਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦੂ ਮਰੀ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿੱਲਤ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਚੜਿਆ। ਸਰ ਜੋ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾ ਧਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ,
क्योंकि पंप ऑपरेटर की जिम्मे भी आप जी को पता ही है 60-70 हज़ार तो उपर इनकी सैलरी आ। ट्यूबलां दी चैकिंग जो हैगा मेरा मेन एक मकसद सीगा भी लोगों नू चेक किया जाए कि वह अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि आम क्योंकि मैनू भी आए इतने 3 महीने हो गए, शिकायत मेरे को लोगों की बहुत आ रही भी पंप ऑपरेटर अपनी ड्यूटी बनती नहीं कर रहे। और ड्यूटियां असी जो चैक किया तो कई ऑपरेटर अपने ट्यूबलों पर नहीं ने, एक गल। सैकेंड गल ये भी जेडे भी पंप ऑपरेटर कोई कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने अपने साइड बिजनेस किए हुए हैं, कोई कितने शॉप पर काम कर रहा, कोई कितने और काम कर रहा वा। जो उन्होंने जाचिया गया या उन्होंने ट्यूबल चैक किया गया उत्थे वो सानू एबसेंट मिले, जिहड़ा कि असी उन्होंने लैटर भी दिते, इशू भी किए इस डिपार्टमेंट के वालों। फिर उस तो बाद आती है मिट्टी 3 तरीक की गल, जो ये जो इन्होंने कुछ मुलाजमान ने PWD जो वर्क यूनियन ने उन्होंने 2 मुलाजमान ने बड़ा मिसबिहेव किया मेरे इस सीट के प्रति, बड़े अपशब्द बोले। अरब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर फिरोजपुर काउंटर इंटेलिजेंस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 नशा तस्करों को किया काबू, 12 किलो हेरोइन और 1 स्विफ्ट कार की बरामद। जालंधर के अर्बन एस्टेट में किराएदारों ने मकान मालिकों पर चलाई गोली, दोनों का कोर्ट में चल रहा है केस। फिरोजपुर छावनी में कैंट बोर्ड की ओर से नाजायज कब्जों के खिलाफ की गई कार्रवाई, DC कार्यालय से लेकर मेन चौक तक हटवाए नाजायज कब्जे। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।